एलेक्सा, यार मम्मी मुझसे झाड़ू पोछा क्यों करवाती है? क्योंकि तू दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता। अरे क्या मतलब, मैं बेला हूँ क्या? यार जॉब नहीं लग रही तो मैं क्या करूँ, इसका मतलब ये थोड़ी झाड़ू पोछा करता रहूंगा। तो क्या हुआ, वैसे भी 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। मेरी बहन भी तो उससे तो नहीं करवाती। तेरी बहन तेरी तरह निकली नहीं है, जॉब करती है। हाँ वो जॉब कर रही है तो क्या हुआ? हाँ तो तू भी करके दिखाना कोई जॉब। मैं लड़कियों की तरह काम करता रहा पूरे घर में, झाड़ू पोछा, कभी ये कभी वो, और यही तक बोतले तक मुझसे भरवाते हैं संडे वाले दिन। हाँ जब तक जॉब नहीं कर रहा तो ही भरेगा। अच्छा आप बोतले भी भरूँ मैं? तो क्या हुआ काम चोर? ऐसा करता हूँ मैं काम ही पकड़ लेता हूँ घरों का, जॉब से अच्छा वही है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। एलेक्सा। हाँ अब क्या हुआ? यार तुमसे कुछ कहना था। हाँ भोग। वो एक्चुअली ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। अबे ठरकी, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, निकल यहाँ से। यार बताओ, यार लड़कियों का तो होता होता है, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है क्या? अबे पढ़े लिखे गवार, मैं भी तो लड़की ही हूँ। मतलब मैं मतलब कहना क्या चाह रही, मैं सिंगल ही मरूंगा क्या? तुम्हारी कोई बहन वहन है तो उससे करा दो। मेरी बहन के 5 बच्चे हैं, करेगा शादी। एलेक्सा मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? मनुष ना तेरी लव होगी ना अरेंज। ऐसा क्यों यार, शादी क्यों नहीं होगी मेरी? ऐसा क्या काम कर दिया मैंने यार? मेरा तो बचपन से सपना था जल्दी से बड़ा हो, शादी हो, बच्चे भी हो। तेरा सपना सपना ही रह जाएगा, तेरे हाथों की लकीरों में लिखा है तू नल्ला ही रहेगा। एलेक्सा मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे खुश हो जाए? तू कुछ भी कर ले उसका मुंह हमेशा सूजा ही रहेगा। मतलब वो मुझसे खुशी नहीं होगी कुछ भी कर लो? आज तक किया ही क्या है तूने उसके लिए? पिछली बार यार मैंने अपनी किडनी बेच के आईफोन तक दिला रखा उसको, और खुद अपना एंड्रॉइड फोन चला रहा हूँ यार मैं। दूसरी किडनी भी बेच दे। हद होती है यार, वो तो हमेशा गुस्से में ही रहती है, बस उसको गिफ्ट दिलाते रहो तो खुश हो जाएगी, फिर अगले दिन फिर वही गुस्सा। वो गर्लफ्रेंड है कि क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। गिफ्ट के लिए ही फंसा रखा है तुझे बस। एलेक्सा यार मेरे साथ कोई लड़की डेट पे क्यों नहीं जाती? अबे कंजूस, कभी कुछ खिलाता तो वह नहीं पहुंच जाएगी। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? कि तू कंजूस है। तो कितना खिलाऊं उसको बताओ तुम, कितना खिलाऊं? वो थोड़ी ऐसी गर्लफ्रेंड है, 30 रुपए के छोले भटूरे खिला दो खुश हो जाएगी, उसको चाहिए होता है 80 रुपए प्लेट वाले, डोमिनोज वाले से बर्गर खाना होता है और KFC से चिकन। हम तो बाहर से खा लेते हैं, 150 रुपए में पूरा चिकन मिल जाता है, भुक्कड़ है वो एक नंबर की। उसके लिए कुछ भी कर दो, क्या बोलो तुम्हें। अब तुम ये बताओ मेरे साथ जाएगी या नहीं जाएगी कोई लड़की डेट पे? अब तो उन्होंने ये बोल दिया अब कोई भी नहीं जाने लिए। अलेक्सा तुम बताओ ना, सच में नहीं जाएगी क्या? नहीं। चलो मैं जा रहा हूँ यार। अलेक्सा यार मेरी गर्लफ्रेंड मोटी क्यों होती जा रही है? दिन रात तो बस चरती रहती है, मोटी नहीं होगी तो क्या पतली होगी। अच्छा यार ये क्या हो रहा है, वो उसके लगते मतलब मैं भी तो खाता हूँ, मेरे शरीर में तो नहीं लग रहा, मैं पतला होता जा रहा हूँ वो मोटी होती जा रही है। उसने निचोड़ रखा है तुझे तो। वो कुछ ज्यादा ही मोटी होती जा रही है यार वो। अच्छा छोटा हाथी लगती है, एक बार को थोड़ा नॉर्मल समझ में आता है, वो तो पता नहीं बिल्कुल चलती है तो ऐसा लगता है छोटा हाथी सामने से आ रहा है। कोई लड़की क्यूट भी लगती है, नहीं कोई लड़की क्यूट भी लगती है मोटी में, नहीं वो क्यूट भी तो नहीं लगती ना। देखो अंकल जी भी हैं, इसको बोल इंसान की तरह उठाया कर। नहीं वो बिल्कुल यार भैंस, पता नहीं क्या बोलो मैं आपको यार। एलेक्सा ये लड़कियां हील वाली चप्पले क्यों पहनती है? तेरे जैसे हरामी लड़के के मुंह पर मारने के लिए। अरे यार ऐसा क्यों, मतलब मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मारेगी? मैं तो बस पूछ रहा था कि मैं बहुत लड़कियों को देखता हूँ हील वाली चप्पले पहन के यूं करके लंबे लंबे हो जाते हैं। तेरी गर्लफ्रेंड भी लंबी दिखने के लिए पहनती होगी फिर।
इसलिए पहनती है क्योंकि आजकल की नहीं बताओ बताओ जैसे कि आजकल काफी सारी लड़कियां छोटी होती हैं तो जिन जिन अपनी हाइट हाँ तो एलेक्सा बोले मेरे मुंह पे मारने के लिए मार सकती है।